TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने चीन को भारत के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। TV9 से बातचीत में ओवैसी ने और क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पैसा हमारे पास नहीं है, इसलिए तो हमने अग्निवीर लाया है। हमारे पास पैसा ही नहीं है, इसलिए हमने अग्निवीर लाया है। अगर पैसा होता, अब आप मेरे को बताइए कि जब हमारे पास पैसा नहीं है तो एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, ये लोग देख क्या समझ रहे होंगे भारत के बारे में कि इनके पास पैसा नहीं है अपनी फौज के लिए, अपनी नेवी और एयरफोर्स के लिए, इसलिए अग्निवीर लाए हैं। हमारे एडवर्सरीज तो हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। सर, पार्लियामेंट में सरकार उठाने नहीं देती ना इन चीज़ों को, लद्दाख के बारे में, हॉट स्प्रिंग, डेपसांग, डेपचांग के बारे में उठाने नहीं देती। आप सवाल डालते हैं तो जवाब बराबर नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलना नहीं चाहते, लफ्ज चीन हमकी जबान से निकलता नहीं है। सबसे बड़ा खतरा आज हमारे देश को, अगर किसी चीन से, मैं कह रहा हूं आपको, आप देखते जाइए। लेकिन आप जो बता रहे हैं, अगर आपका ये असेसमेंट है कि युद्ध के हालात हो सकते हैं और युद्ध हो सकता है, अरे हमारे LAC के करीब आकर एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है चीन,